हरे कृष्णा। श्रील व्यासदेव रचित महाभारत के उद्योग पर्व में एक सुंदर श्लोक आता है। तेन वंचयते लोकान् माया योगेन केशवः, ये तमेव प्रपद्यन्ते न ते मुह्यन्ति मानवः। भगवान केशव अपनी माया के प्रभाव से सभी लोगों को मोह में डालते हैं, लेकिन जो मनुष्य केवल उन्हीं की शरण लेते हैं वे उनकी माया से मोहित नहीं होते। और भगवान केशव की शरण लेने का अर्थ है अपने आप को संपूर्ण रूप से उन्हें समर्पित करना, उनके आदेशों का यथारूप पालन करना और उनके प्रिय भक्तों की सेवा करना। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के 64 अंग बताए हैं। उनमें से एक है एकादशी का व्रत, अर्थात जो भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें एकादशी व्रत का दृढ़ता और निष्ठा पूर्वक पालन करना चाहिए। तो चलिए इस आने वाले उत्पन्ना एकादशी के अवसर पर हम इसी एकादशी से संलग्न एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। ये उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण इस धरातल पर अपनी मानवीय लीला कर रहे थे। एक दिन वे उनके परम सखा अर्जुन के साथ बैठे थे और उस दिन अर्जुन ने भगवान से इसी एकादशी के विषय में प्रश्न पूछते हुए कहा, हे जनार्दन, एकादशी के दिन पूर्ण उपवास करने या फिर मात्र एक बार भोजन करने से क्या लाभ मिलता है? इस व्रत पालन के नियम क्या है, कृपया इसके विषय में बताएं। इसके उत्तर में परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल के प्रारंभिक समय में मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी पर एक नवभक्त को एकादशी व्रत करना प्रारंभ करना चाहिए। व्रत के एक दिन पहले यानी दशमी के दिन अच्छे से दांत साफ करने के बाद दशमी के दिन आठवें प्रहर में जब सूर्यास्त होने वाला हो उस समय रात्रि में भोजन लेना चाहिए। अगले दिन प्रातः काल में एकादशी के निर्देशों का पालन करने का संकल्प लेना चाहिए। भगवान की मंगला आरती करनी चाहिए अथवा उसका दर्शन करना चाहिए। अपराहन में उसे नदी, तालाब या सरोवर में स्नान करना चाहिए। नदी में स्नान करना सबसे उत्तम माना गया है। उसके बाद पृथ्वी देवी को प्रार्थना करनी चाहिए कि हे अश्वक्रांते, हे वसुंधरे, हे रथक्रांते, हे विष्णुक्रांते, हे मृत्तिके, हे पृथ्वी माते, कृपया मेरे पूर्व जन्म में अर्जित पापों का नाश करें जिससे मैं भगवान के परम पावन धाम में प्रवेश प्राप्त कर पाऊँ। इस एकादशी के दिन व्यक्ति को ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए जिनका धार्मिक पतन हो चुका है, जो म्लेच्छ हैं, और इसके उपरांत उसे चोर, पाखंडी और निंदकों से भी दूर रहना चाहिए। उसके बाद उसे सर्वश्रेष्ठ प्रकार के फूल, धूप, नैवेद्य इत्यादि से भगवान नारायण की पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान गोविंद को दीप अर्पण करना चाहिए। दिन के समय सोना नहीं चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। समस्त खाद्य पदार्थों और जल का भी त्याग करना चाहिए और पूर्ण रात्रि के दौरान भगवान के दिव्य गुणगान और कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। हे अर्जुन, अब तुम मुझसे इस एकादशी के पालन से अर्जित पुण्य फल के विषय में सुनो। मनुष्य यदि शंखोद्धार नामक पवित्र क्षेत्र और भगवान गदाधर के साक्षात दर्शन करता है उससे जो पुण्य फल उसे प्राप्त होता है वो एकादशी के दिन प्राप्त पुण्य फल का छठा भाग है। ऐसा कहा जाता है कि सोमवार के दिन आने वाली पूर्णिमा के दिन दिया गया दान साधारण दान से 1000 गुना अधिक पुण्य प्रदान करता है। संक्रांति के दिन दिया गया दान साधारण दान से 4000 गुना अधिक पुण्य प्रदाता है। और जो व्यक्ति एकादशी के दिन व्रत का पालन करता है उसे ये सभी पुण्य फल अपने आप मिल जाते हैं। इसके साथ साथ उस व्यक्ति को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से प्राप्त पुण्य फल भी इसी एकादशी पालन से मिल जाते हैं। एकादशी के दिन व्रत पालन करने वाले श्रद्धालु व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ से 100 गुना अधिक पुण्य प्राप्त होते हैं। वेदों में पारंगत ब्राह्मणों को 1000 गौवें दान देने से व्यक्ति को जो पुण्य फल मिलता है उससे 10 गुना अधिक पुण्य फल उसे एकादशी व्रत पालन करने से प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति अपने घर में 10 विद्वान ब्राह्मणों का भरण पोषण करता है उससे जो फल मिलता है उससे 10 गुना अधिक पुण्य फल उसे मिलता है जो व्यक्ति एक ब्रह्मचारी के पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाता है। परंतु एक ब्रह्मचारी के भरण पोषण से भी 1000 गुना अधिक फल उसे मिलता है जो एक दरिद्र और विद्वान ब्राह्मण को भूमि दान देता है। लेकिन इस भूमि दान से भी 1000 गुना अधिक पुण्य फल उसे मिलता है जो एक युवान, सुशिक्षित और जिम्मेदार व्यक्ति को अपनी कुंवारी कन्या का दान देता है।
कन्यादान से भी अधिक पुण्य उसे मिलता है जो अपने बच्चों को बिना किसी स्वार्थ की आशा रखें आध्यात्मिक पथ पर चलने की शिक्षा प्रदान करता है। हे कुंती पुत्र, जो दान में खाद्यान्न पदार्थ देता है उसके सभी पूर्वज स्वर्ग लोक में संतुष्ट होते हैं, परंतु एकादशी के दिन पूर्ण उपवास के पालन की कोई तुलना नहीं की गई। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, इस पुण्य का शक्तिशाली प्रभाव देवताओं के लिए भी अकल्पनीय है और उसका आधा फल उसे प्राप्त होता है जो एकादशी के दिन मात्र रात्रि में भोजन करता है। इसलिए मनुष्य को एकादशी के दिन संपूर्ण उपवास का पालन करना चाहिए अथवा अनाज दालों से दूर रहते हुए मध्याह्न काल में केवल एक ही बार भोजन करना चाहिए। जो कोई भी भौतिक कष्टों से रक्षा प्राप्त करना चाहता है उसे एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के एकादशी महात्म्य से संलग्न सभी प्रश्नों की जिज्ञासा को संतुष्ट किया। चलिए अब हम बात करते हैं आने वाली विशेष एकादशी की, यानी गीता जयंती की। इस बार गीता जयंती के शुभ अवसर पर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक विशेष भगवद गीता क्रैश कोर्स। अगर आप भगवद गीता पढ़ना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे शुरुआत करें तो ये कोर्स आपके लिए है। इस्कॉन लुधियाना द्वारा आयोजित ये कोर्स 18 सत्र का रहेगा, जिसमें कोर्स के पूर्ण होने पर आपको एक सर्टिफिकेट और भगवद गीता यथारूप भेंट दी जाएंगी। तो जल्दी से जल्दी इस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं और इसका लिंक और डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्योंकि इसमें सिर्फ लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में रहते हुए सरलतम विधि से किस प्रकार इस अत्यंत विशेष एकादशी का पालन कर सकते हैं। सबसे पहले तो एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। ये समय सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले का होता है, इसलिए आप अपने स्थान अनुसार देख लीजिए कि सूर्योदय कितने बजे होने वाला है और फिर उससे 1.5 घंटा पहले उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ हो जाइए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती अपने घर पर करिए और नहीं कर सकते तो कम से कम ऑनलाइन उसका दर्शन अवश्य करें। तुलसी देवी को जल अर्पण करें, उनकी 3 बार प्रदक्षिणा करें और उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जप करें। इस दिन संभव है तो संपूर्ण उपवास का पालन करें। यदि ये मुश्किल है तो आप दिन में एक समय फल दूध इत्यादि लेकर व्रत रखें। ये भी नहीं कर सकते तो इन सबके साथ एकादशी प्रसाद भी ले सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में अन्न युक्त भोजन कदापि ना लें, जैसे कि गेहूं, चावल, दाल, फलियां इत्यादि से बना हुआ भोजन। दिन में भगवान की कथाओं का श्रवण और चिंतन करें, भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करें, संध्या के समय घर में या मंदिर में कीर्तन करें, तुलसी देवी को दीप अर्पण करें। अगले दिन द्वादशी पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ हो जाएं और भगवान की मंगला आरती करें, हरे कृष्ण महामंत्र की अधिक से अधिक माला का जप करें और फिर पारण के समय पर यानी प्रातः 6:58 से लेकर 7:15 के बीच में ही एकादशी का पारण करें। पारण करने के लिए आप भगवान के लिए स्वादिष्ट भोग तैयार करें और उसे भगवान को अर्पित करें। यदि संभव है तो अपने घर में वैष्णव को आमंत्रित करें और फिर पारण के समय भगवान को अर्पित भोग उन्हें प्रसाद रूप में खिलाएं। अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य दें और फिर भगवान से प्रार्थना करते हुए स्वयं भी इसी प्रसाद के साथ एकादशी व्रत का पारण करें। इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करें और भगवान से प्रार्थना करें कि वे आपको उनकी शुद्ध प्रेमा भक्ति प्रदान करें। उत्पन्ना एकादशी की विशेष कथा सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। तो चलिए इस परम पवित्र उत्पन्ना एकादशी के पावन अवसर पर हम परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपना मन, वचन और कर्म समर्पित करते हैं और उनसे उनकी शुद्ध भक्तिमय सेवा की याचना करते हैं। हरे कृष्णा।